सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है आपको फिजिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, और दूसरा आपको क्या रखना है, दूसरा आपको केमिस्ट्री रखना है, तीसरा आपको बायोलॉजी रखना है। सिद्धार्थ गुप्ता, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सेक्शन ए के सिलेबस को। तो फाइनली स्टूडेंट, आज के जो हमारी वीडियो का टॉपिक है उसके अंदर हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि जो आपका सेक्शन नंबर ए है, यानी कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है सेक्शन नंबर ए होगा, जिसके अंदर क्लास टेंथ की जो आपकी साइंस है उसका सिलेबस बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि हम आपको लेक्चर्स जो है, यानी कि सेक्शन नंबर ए के लिए जो लेक्चर्स हैं वो किस तरीके से आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो यहां पे बिल्कुल सही तरीके से वीडियो को देखिएगा, मैं बिल्कुल एनालाइज करके आपको ये बताऊंगा कि सेक्शन नंबर ए में से आपको क्या-क्या चीजें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़ना है, किन चैप्टरों पे ज्यादा ध्यान देना और किन चैप्टरों पे कम ध्यान देना है, इन चीजों को मैं आपको बताते हुए चलूंगा, और हम अपनी तरफ से आपको किस तरीके से सेक्शन नंबर ए में आपकी मदद करेंगे। सेक्शन नंबर ए का मतलब आप समझते हैं ना, मैंने आपको पैटर्न बताया था दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 का, उसमें आपके चार सेक्शन थे, और अगर आप फार्मेसी से करना चाहते तो आपके पांच सेक्शन थे। तो यहां पे हम अभी बात करते हैं सिर्फ फुल टाइम डिप्लोमा वालों के लिए जो फार्मेसी नहीं करना चाहते। तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आपके चार सेक्शन थे, उन चार सेक्शन में सेक्शन नंबर ए जो था वो आपका साइंस का सेक्शन था, यानी कि उसमें क्लास टेंथ की साइंस आएगी, चाहे आप मैकेनिकल लेना चाहते हो, सिविल लेना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्किटेक्चर, या फिर आप कुछ भी लेना चाहते हो, फार्मेसी भी अगर करना चाहते हो, तो आप सभी को सेक्शन नंबर ए तो अटेंड करना ही पड़ेगा। इसके अंदर आपके टोटल मिला के 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि ये आपको बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन करता है। और उसके बाद मैंने आपको बता रखा है कि आपको जो सेक्शन नंबर बी है उसके अंदर आपका एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है, या फिर आप बोल सकते हो इंग्लिश वाला वो सेक्शन होगा, मेरे अकॉर्डिंग आपका जो सेक्शन नंबर सी है, सेक्शन नंबर सी में आपके एप्टीट्यूड वाले पोर्शन होंगे। तो आप देख लीजिएगा, मैं बी और सी में भी कंफर्म नहीं होता, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ सेक्शन नंबर ए के बारे में, बाकी हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे बाकी के आपके जितने भी सेक्शन होंगे उनके बारे में। तो यहां पे स्टूडेंट देखिए, हम आपको क्या करेंगे कि आपको जैसे सेक्शन नंबर ए है तो सेक्शन नंबर ए की हम आपको पहले वीडियो प्रोवाइड करा दें, और सेक्शन नंबर जो सी होगा जिसमें आपका इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन नहीं है उसको छोड़ के बाकी जो आपका एप्टीट्यूड वाला सेक्शन होगा ना उसको भी हम कराएंगे, बाकी आपको इंग्लिश वाला सेक्शन खुद ही करना होगा। यहां पे स्टूडेंट देख लीजिए, हम अभी बात करते हैं सेक्शन नंबर ए के सिलेबस की। तो यहां पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हमारा सेक्शन नंबर ए है तो सेक्शन नंबर ए की वीडियोस आपकी अलग चलेगी, और सेक्शन नंबर आपका जो शायद एप्टीट्यूड वाला जो भी सेक्शन है ये बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है, तो उसका अलग आपका वीडियो चलेगा। पहले मैं आपको सिलेबस को डिस्क्राइब कर दूंगा फिर वन बाय वन करके आप सभी के लिए जो है वीडियोस आते रहेंगी। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, हमारा यहाँ पे क्या है, क्लास टेंथ की साइंस है, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल मिला के आपकी क्लास टेंथ के एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी की बुक आपको क्या करनी है, लगानी है पहले तो एनसीईआरटी का आपको एक एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए। एनसीईआरटी के बाद मैंने जो आपको किंग्स इंडिया की बुक दे रखी है ना, किंग्स इंडिया की बुक, उसके अंदर जितने भी आपके एमसीक्यू है वो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वहीं से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और साथ में एनसीईआरटी तो आपको क्लियर ही होनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी के हर एक कोने से मतलब कुछ भी पूछ लिया जाता है। यहां पे देखिए, अगर हम एनालाइज करें सिलेबस को तो आप देख सकते हो 1 से लेकर 16 तक आपके चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर हैं टोटल एनसीईआरटी के बुक में। यहां पे पहला चैप्टर क्या है आपका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये आपका पहला चैप्टर है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये आपकी केमिस्ट्री की चैप्टर, अगर आप देखोगे तो 1 से लेकर 5 तक आपका ये पूरा केमिस्ट्री हुआ। यहाँ पे सेकंड जो होगा आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट होगा, एंड देन आप देख सकते हो तीसरा जो है आपका मेटल एंड नॉन मेटल है आपका, फिर चौथा आपके पास क्या, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, ये चौथा चैप्टर हो गया आपका। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पांचवा जो चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये आपका पांचवा चैप्टर हो जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आई, जितने भी आपके पांचों चैप्टर हैं ये सब आपके केमिस्ट्री के चैप्टर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं केमिस्ट्री के ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है देखिए, यहाँ पे अगला हमारे पास मेंशन है लाइफ प्रोसेस, यानी कि छठा चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस है। सातवां आपका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे देख सकते हो कोऑर्डिनेशन है आपका। एंड यहाँ पे अगर आप आठवां देखोगे तो हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड रिप्रोड्यूस, ये आपका कौन सा आठवें नंबर का है। नौवें नंबर का कौन सा चैप्टर आपका, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है, तो ये आपका पूरा पोर्शन आएगा। और एक चीज और मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ कि जो भी डिलीटेड पोर्शन था ना वो भी आपका आएगा, तो डिलीटेड पोर्शन को भी पढ़ना है एंट्रेंस एग्जाम में वो आएंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या था, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अगला हमारे पास क्या, टेंथ में अगर आप देखोगे तो आपका लाइट है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका ये जो था इतना पूरा, यानी कि 6 7 8 9 ये जो आपके चार चैप्टर थे ये बायोलॉजी के चैप्टर है, तो ये आपके बायो के हो गए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बायोलॉजी के आपके हो जाएंगे पोर्शन। तो चार चैप्टर आपके बायोलॉजी के हो चुके हैं, यहाँ पे पांच चैप्टर आपके कौन से थे, केमिस्ट्री के थे। इस तरीके से अगला देखिए 10वां में आपका क्या है, लाइट।
और यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास 11वां क्या है ह्यूमन आई, और यहाँ पे 12वां क्या है इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका 12वां चैप्टर हो जाएगा। अगला देख सकते हो 13वें में क्या मेंशन है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इनको तो बिल्कुल सही तरीके से पढ़िएगा। जो आपके चार चैप्टर है ना, लाइट वाला हो गया, ह्यूमन आई हो गया, और उसके बाद आप देख सकते हो मैग्नेटिक इफेक्ट वाले हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके जो एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें से लाइट वाला इलेक्ट्रिसिटी तो और भी अच्छे तरीके से आप करिएगा, ये चीज मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो चारों जो चैप्टर हैं आपके फिजिक्स के चैप्टर हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आपके फिजिक्स का पोर्शन हो जाएगा इतना, ये हमारा किसका है, फिजिक्स का पोर्शन है। तो आप अगर स्टार्टिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री की केमिस्ट्री से स्टार्टिंग करिए, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो तीन जो आपके और चैप्टर्स हैं, ये तीनों के तीनों जो चैप्टर्स हैं ये आपके एनवायरमेंटल पे बेस्ड है, एनर्जी पे बेस्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चौथा 14वां कौन सा आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी, और आपका 15 कौन सा होगा आवर एनवायरमेंट, एंड आपका जो 16 है वो आपका है नेचुरल रिसोर्सेज, इनके ऊपर भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें से कम क्वेश्चन आते हैं, आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है, आपको फिजिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, और दूसरा आपको क्या रखना है, दूसरा आपको केमिस्ट्री रखना है, तीसरा आपको बायोलॉजी रखना है, ठीक है, बायोलॉजी रख लो या फिर इसको भी रख सकते हो, वैसे तीसरा बायोलॉजी रखना, फिर उसके बाद आपको इसको रखना है। तो इस पैटर्न के हिसाब से आपको चलना है, सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी देनी है वो आपको फिजिक्स को देनी है, क्योंकि फिजिक्स आपके एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, केमिस्ट्री उसके बाद, फिर बायोलॉजी, फिर इसके बाद ये सारी जो चीजें ये भी पूछी जाती है। तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ऑर्डर बता दिया है। तो यहाँ पे आप देखते हो टोटल आपके पास चैप्टर्स कितने हो गए, 16 आपके टोटल चैप्टर्स हो गए। आपको पता है फिजिक्स के कितने चैप्टर्स हैं आपके, 4, केमिस्ट्री के आप कितने देख सकते हो ये स्टार्टिंग वाले 5 थे, बायोलॉजी के आपके कितने हो गए 7, मैंने इनको बायोलॉजी में ही काउंट कर लिया है, तो बायोलॉजी में अभी 4 थे, ये देख सकते हो 4, 4 और 3 हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 7, तो मैंने बायोलॉजी में इनको ऐड कर लिया इन तीनों चैप्टरों को भी, ठीक है ना। अगला आप देख सकते हो सेक्शन नंबर जो ए होता है उसके अंदर 15 क्वेश्चन ही आएंगे, 15 क्वेश्चन में इसमें आपको बता देता हूँ कम से कम 5 क्वेश्चन तो आपके किसके रहेंगे, 5 जो क्वेश्चन है 5 या 6 के आसपास आपका जो है फिजिक्स का ही रहेगा, तो बहुत अच्छा वेटेज है इसका, हो सकता है ज्यादा भी रहे। अगला हमारे पास केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री के आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी जो नेक्स्ट बच गए आपके 5 क्वेश्चन, वो 5 क्वेश्चन इन 7 चैप्टरों से आ सकता है बायोलॉजी के, तो ये चीज आप क्लियर रखिएगा। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी क्या रखनी है, फिजिक्स आप पहले पढ़िएगा, फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर बायो, एंड देन जो आपका एनवायरमेंटल वाले चैप्टर्स हैं ये वाले। तो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके मैंने बिल्कुल सही तरीके से आपको बताया, सबसे पहले आप फिजिक्स पढ़ो फिर केमिस्ट्री, वैसे हम जो स्टार्टिंग करा रहे हैं क्योंकि अभी टाइम है, बचा हुआ टाइम है, तो अभी जो अभी देख रहे हो अभी आपका फॉर्म भी नहीं आया, फॉर्म आएगा फिर एंट्रेंस एग्जाम का डेट रिलीज होगा, तो अभी हमारे पास टाइम है अच्छा खासा। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, हम स्टार्टिंग करेंगे अपनी केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री को खत्म करते हुए फिर हम आएंगे इस वाले चैप्टर्स पे, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रिसिटी वाले और ये जो आपके फिजिक्स के चैप्टर है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे बायोलॉजी के, फिर इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, तो बहुत बड़ा सिलेबस हो जाएगा, तो मुझे जल्दी जल्दी कवर कराना होगा और आप सभी का बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए मुझे। तो जैसे मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करता हूं तो आप सभी को करना कि अपना बहुत ज्यादा वहां पे प्यार दिखाना कमेंट बॉक्स में, आप सब बताओगे कि क्या आपको चीज लग रही है, आपको मुझे और क्या सुधार करना चाहिए वीडियोस में, आप इस तरीके से लिखते रहोगे तो मुझे भी लगेगा हाँ आपको इंटरेस्ट है। तो इस वीडियो में बहुत ज्यादा आप इंटरेस्ट दिखाओ, हम सेक्शन नंबर जो आपका मतलब एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है उसको भी एक वीडियो में लेके आते हैं और उसके अंदर आपको बताते हैं कि क्या सिलेबस आपको पढ़ना है, राइट। तो बिल्कुल भी आप घबराइए मत, सबका एंट्रेंस एग्जाम जो क्लियर होगा, डोंट वेरी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। प्रीवियस ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट का क्लियर हुआ था, सभी अभी कॉलेजेस में फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, इस तरीके से आप सभी का भी एडमिशन हो जाएगा, डोंट वेरी। प्लीज वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो इसी के साथ स्टूडेंट हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने किंग्स इंडिया की बुक नहीं डाउनलोड कर रखी है एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाइए, प्लीज उस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है। तो जिनके पास भी बुक्स नहीं है तैयारी करने के लिए, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में बुक मैंने प्रोवाइड करा रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और बहुत सारी वीडियोस है जैसे आपके टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।